आज हम सीखेंगे खड़े पजामे की कटिंग। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। 37 इंच हमें तैयार चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से देख लेंगे 42, ये 42 इंच है, 0.5। तो हम इसमें थोड़ी सी हेल्प से डिज़ाइनिंग करेंगे। 2 इंच हम लगा देंगे नेफे का निशान, ठीक है। 2 इंच पर आपने पूरा निशान लगा देना अपन नेफे के लिए। अब 2 इंच हमने पाइंचे का निशान लगा देना है, ये देखें 2 इंच। सबसे पहले हम ट्राउज़र की लेंथ उतार लेते हैं। तो हमारे पास जो कि लेंथ इसकी पूरी पूरी है, ये पीस निकाल के अब 2 इंच का हमने मार्जिन कर लिया। जो रे भाई आप जाने दीजिए 1.5 इंच। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें हमने रखा है, जो हमने हल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक है, लेस और प्लेट्स के साथ बस। अब हम लगाएंगे यहाँ से पाइंचे का निशान। पाइंचा हमें चाहिए 6 तैयार। एक हमने 6 पर निशान लगाया, एक हम लगाएंगे 17.5 1.5 इंच बढ़ा के। अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स जो हमारे जो ऊपर से हिप है, ठीक है, जहाँ से बटक का निशान है, यो नेफे के निशान के, उसके लिए हमें 3 इंच कम, हमारा जो बटक है वो 16 इंच है, उसके लिए हम 3 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉडी पार्ट फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 16 है, तो हम 30 पर निशान लगा देंगे, और 14 पर लगा रही जो मैंने सिलाई में देना है 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ से आसन हमें चाहिए 13 तैयार। हम लगाएंगे 14 पर निशान, ठीक है। ऊपर से हमने इतना 14 पर लगाया था, ये भी हम 14 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ आपने मिला देना है, ये देखिए 14 इंच, ठीक है। अब यहाँ से आपने शेप देने के लिए 1 इंच का निशान रखना है तिरछा टेप सेंटर में। यहाँ से हल्की सी गलाई आपने देनी है, और यहाँ से हल्की सी गलाई, ठीक है। अब इसे इस तरह शेप दे देनी है आपने। तो हमें बटक तैयार चाहिए 16, तो ये देखिए 16 हमारा पूरा आ रहा है। तो हम 17 पर रखेंगे, हमारे पास कपड़ा चुके नहीं है पूरा मार्जिन, ठीक है। तो अब हम इसका खड़े पजामे का आसान तरीका आज आपको बता दूँ कि देखें, आपने यहाँ पे 9 इंच का सीधा निशान लगाना है, ये रहा हमारा पाइंचा, और यहाँ पर ऊपर 9 इंच का, ठीक है। अब इस 9 इंच पर आपने एक लाइन मार्क कर लेनी है। अब आपने बटक के निशान से यहाँ से शेप उठा कर आना है, यहाँ से शेप लेकर आपने इस निशान के साथ मिला देना। सिर्फ ये हमारे खड़े पजामे की आसान और सिंपल कटिंग। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए जो नीचे पाइंचे का निशान था वहीं से, जो हमने शेप ली थी उसके साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।